और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। ये भारत इमर्जिंग भारत है, ये स्ट्रॉन्ग भारत है। भारत का इन्फ्लुएंस इस वक्त इज ऑन द पीक। देखिए जो बड़ी खबर आ रही है वो खाड़ी देश कतर से आई है और कतर में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। कतर ने सभी 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। इंडिया की प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। विद इन 1 ईयर इनको छुड़ा के लेके आए हैं और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है भारतीयों के ऊपर कि इंडियन डिप्लोमेसी इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? जो 7 वेटरन्स हैं वो ऑलरेडी दोहा से रवाना होकर इंडिया लैंड कर चुके हैं। उनमें से जो एक उतरे हैं वो तो मोदी के गुण गाते नहीं थक रहे हैं। द ओनली थिंग इज सेइंग इज अगर मोदी नहीं होते तो हम नहीं बचते, अगर मोदी नहीं होते तो हम नहीं बचते। तो उसको कौन खोना चाहेगा? यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी है। काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अरब की जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उन्होंने उसका दबाव बना के विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। अब अगले 5 साल भी शायद उसको मिल जाए, तो ये जो 15 साल का एक रन है उसका, इसका इंडिया को तो फायदा होगा कि 7 जो मिडिल ईस्ट स्टेटें हैं उन्होंने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रखे हैं। क्या हुआ कि भारत में जब ये हो रहा था तब यहाँ पे एज यूजुअल लोगों ने छाती पीटी। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने तो सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर मोदी से इस्तीफा ही मांग लिया कि अगर इनको सजाए मौत हो जाती है तो पीएम शुड रिजाइन। और इंडियन लीडरशिप को सलाम, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पर्सनल केमिस्ट्री है जो अमीर ऑफ कतार, उससे भी बहुत इंपैक्ट हुआ। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहां खड़े हैं। इट्स ओनली पॉसिबल ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर एंड हिज पर्सनल इंटरेक्शन एंड इन्वॉल्वमेंट विद द अमीर ऑफ कतर। वी हैव वेटेड ऑलमोस्ट 18 मंथ्स टू बी बैक इन इंडिया। वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। इट सर्टेनली वुडंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट हिज पर्सनल इंटरवेंशन and that equation with the mayor of Qatar. की दोस्तों मीटिंग हो गई मोदी जी के साथ COP28 जो दुबई में हुआ था दिसंबर में, उसमें मीटिंग हो गई मोदी जी के साथ और मोदी जी ने शेख को बोल दिया कि शेख इधर तो देख, हमारे 8 बंदे तुम क्या करती वहां पे? तो शेख ने बोला मोदी जी डोंट वरी, हम उनको छोड़ती। और छोड़ती क्या, उनका मतलब छोड़ ही देती एंड में। तो सबसे पहले तो बात यह है कि बहुत बहुत मुबारकबाद सिर्फ उनके परिवारजनों को नहीं, सिर्फ उनको नहीं, ये पूरे भारत का मुद्दा है। पूरे भारत को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा काम हुआ, इसीलिए शुरू से मैं मुस्कुरा रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, आई एम सो हैप्पी। और कतर के बीच में ट्रेड कितना है? $15 अरब से ज्यादा, $15 अरब से ज्यादा का ट्रेड, जिसमें से 13.5 अरब भारत कतर को पैसे देके तेल लेता है, वहां से मोस्टली तेल लेता है, तो यानी कि कतर का फायदा है। और भारत उसके 4-5 टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में से है जहां तक तेल की बात है। मोटा अमाउंट खर्च करता है भारत हर साल, और मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत बड़ी चीज थी जिसकी वजह से भारत यह कर पाया। दूसरी चीज डिप्लोमेसी, तीसरी बात, भारत के सबसे रिश्ते अच्छे हैं, छोड़ के पाकिस्तान, भारत के रिश्ते सबसे अच्छे हैं। कोई ऐसा दुनिया में नहीं कहता कि भारत हमारा दुश्मन है, छोड़ के पाकिस्तान, 17 अरब कंट्रीज। अब कतर करता भी तो क्या करता, देखिए ठीक है हम शुक्रिया अदा करते हैं, कतर के अमीर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, जो हमारे जो भाई थे, बहुत बड़ी जीत है भारतीय डिप्लोमेसी के लिए। लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये जो पूरा मैटर है ना, ये सॉल्व भी डिप्लोमेसी से हुआ है। ये बैक एंड में किस तरीके से बातचीत करी, कौन कौन से हेड ऑफ स्टेट, अभी धीरे धीरे कहानी निकलेगी आगे, तब आपको पता लगेगा, धीरे धीरे कहानी निकलेगी कि किसने किसको फोन करा, किसने किस पे दबाव डाला, किसने किसको बोला कि भाई तुम ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा, तुम भारत के बंदों को हाथ मत लगाना वरना बहुत कलेश होने वाला है बाद में। फिर उसके बाद ट्रेड के रिश्ते, फिर पैसे की बात। अब खबर ये आ रही है कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रॉपर उसके ऊपर डिप्लोमेटिक वे से काम किया और उस सजाए मौत को कतर ने ना सिर्फ कैंसिल किया है, साथ ही साथ हम पाकिस्तान के पब्लिक से ये बात करेंगे क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है। और अगर कुलभूषण यादव की बात की जाए, पाकिस्तान में बहुत अवेला रहा कि भाई हमने इंडिया के जासूस को पकड़ लिया, हमारे पास प्रॉपर प्रूफ है, लेकिन आज तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उस चीज को हम क्लियर क्यों नहीं कर सके, सजा क्यों नहीं दिलवा सके, क्या ये भी इंडिया की डिप्लोमेटिक विन है या
नहीं। खबर एक आई कि कतर में इंडिया के 8 एक्स नेवी ऑफिसर हैं, उन्हें सजाए मौत का जो है ना वो ऑर्डर दिया गया। अब खबर ये आ रही है कि वो सजाए मौत कैंसिल कर दी गई है। अब उन मतलब ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की। क्या समझते हैं, सबसे पहले तो इस खबर के बारे में बताइए कि आपने सुनी और अब ये जो सुन रहे हैं कि कैंसिल हुई है, क्या वजह हो सकती है? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सबसे पहले तो ये आपको बताऊंगा कि ये उनकी डिप्लोमेटिक इंडिया की जीत है। ये इस बात को जाहिर करती है कि जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है और उनकी जो फॉरेन डिप्लोमेसी है, जो उनके फॉरेन कतर में बैठे हुए जो उनकी एम्बेसी का एम्बेसडर है, दे आर वर्किंग वेरी वेल और उन्होंने बड़ा अच्छा इस गेम को, इस मूव को लेके वो आगे चले फॉरेन डिप्लोमेसी की। और उन्होंने वहाँ पे उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात की, कतर के अमीर जो हैं शेख तमीम जो हैं उनसे उन्होंने बात की और उन्होंने एक अच्छा दबाव बढ़ाया, क्योंकि इंडिया की ट्रेड आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है मिडल ईस्ट के साथ है और इंडिया के बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो मिडल ईस्ट में काम करते हैं। अगर इंडिया अपने वहाँ से वर्कर्स निकाल ले तो वहाँ पर उनके लिए अरब ममालिक में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अरब की जो इकॉनमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उन्होंने उसका दबाव बना के इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए उनको उनके वहाँ पे जो उनके वहाँ पे ट्रेड मिनिस्टर है और उसका कतर का, उनके ज़रिए शेख तमीम से रिक्वेस्ट करके उन्होंने उसकी सज़ा मुअत्तल करवा दी। ये एक अच्छी डिप्लोमेसी है उनकी। हम तो सारी ज़िंदगी यही सुनते रहे हैं ISI नंबर 1, ठीक है तो हम वही सुनते रहे हैं, लेकिन हकीकत में कुछ और था, हमें कुछ और पढ़ाया गया है और अब आपके सामने आ रहा है कि इंडिया की जरूरत पड़ रही है और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़े और जो इंडिया के 8 ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग कंट्री है और उनकी LNG की डील चल रही है कतर के साथ, जो कि 20 साल का एक मुआहदा और $1 trillion मुआहदा है, उसको कतर कभी भी नहीं खराब होने देगा, क्योंकि कतर की आप देखें ना, कतर की पूरी जो मईशत है वो ऑयल की बेस के ऊपर चल रही है और उसने अपनी LNG जो है उसको बेचनी है और 20 साल का ये एक पूरा उनका प्रोग्राम। 8 नेवी ऑफिशियल्स थे, फॉर्मर नेवी ऑफिशियल्स, कतर में उनको डेथ सेंटेंस मिली थी, इंडिया के थे लेकिन अक्टूबर में मिली थी और दिसंबर में 2-3 महीनों में वो जो डेथ सेंटेंस थी वो रिवर्स हो गई, जो कि नहीं होता। कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की। नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जितनी भी डिप्लोमेट्स हैं हर कंट्री को उनको अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपके एसेट्स होते हैं ना बेसिकली, तो ये इंडिया के लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन है माशाल्लाह के अपना उन्होंने एक मतलब बैक किया इतना अपने डिप्लोमेट्स को और उन्होंने उसको आज़ादी दिलवाई। हालांकि वो कतर में भी बीइंग ए मुस्लिम अगर देखा जाए तो हमारे लिहाज से वो बड़ा अच्छा एक स्टेप था कि अगर इस तरह की कोई आपको दरअंदाजी होती है आपके मुल्क में तो डेफिनेटली उसको सेंटेंस मिलना चाहिए, डेथ सेंटेंस दिया या जो भी उनकी अदालत के साथ था। लेकिन इंडिया के प्रॉस्पेक्टिव अगर देखें तो डेफिनेटली एक अच्छी उनकी स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से कि उन्होंने मतलब अपना जो है वो अच्छा इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर उनका नाम है और पाकिस्तान के वो तो खैर करंट है फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी 2 दफा रह चुके हैं। जी जी, तो उनकी डिप्लोमेटिक विन हो रही है exactly. तो क्या इज्जत रह जाती है? हाँ, इसी तरह अगर वैसे अब लोकल प्रोस्पेक्टिव में देखें तो मेरे ख्याल में जो उन्होंने कहते हैं एज यू सॉ सोशल यूरी कि जो उन्होंने किया उसका उनको सजा मिल रही है, बट इंटरनेशनली अगर आप देखते हैं तो जाहिर बात है हमारे वजीर खारजा रहे हैं और एक दफ़ा नहीं कई बार रहे हैं मुतअद्दिद बार, तो ऑब्वियसली तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाहिर बात है कि वो जगह सही होती है पूरी दुनिया में